मेरे आज के जो मेहमान हैं उनको आप सबने देखा है टेलीविजन स्क्रीन में, मुख्तलिफ ड्रामों में देखा है। मेरे पास तुम हो में तो देखा ही देखा है, लेकिन मैं उनको तो मैंने भी मेरे पास तुम हो कोई ऐसा ड्रामा था जो मैंने 15 साल बाद अगर कोई ड्रामा देखा तो वो ये देखा था। लेकिन वैसे भी मैं उनकी जो स्टोरी है, अभी उनसे बात कर रहा था तो मुझे बहुत सारे हवालों से मैंने रिलेट किया, क्योंकि मैं अगर अपनी कभी जर्नी मैंने बताई अपने किसी टीवी प्रोग्राम में कि यहाँ से यहाँ पहुँचा फिर ये हुआ, तो भाईजान हैरत अंगेज तौर पे आपने तो कुछ बातें मुझे बताई, हम चाहते हैं लोगों के साथ भी शेयर करें जी। वो कुछ शदीद किस्म की सिमिलर है। मसलन आपने बताया कि आप बहुत ही कोई अंडरवेट थे और आपने कोई क्या दो पैंट्स पहन के भी जरा अपना जी, तो मुझे वो कहते थे कि यार तुम जो है ना शोल्डर ये पैडेड शोल्डर वगैरह पहनो ताकि जरा को बड़े लगो। हाँ। बल्कि आपकी कोई इनकी कोई तस्वीर अगर हमारे पास हो पुरानी तो वो दिखाइएगा, तो हम लोगों को दिखाएं कि फुरकान भाई जैन ने कहाँ से कहाँ तक का सफर तय किया है। तो लेकिन आज आप माशाल्लाह आपको दुनिया जानती है, सब लोग जानते हैं, तो ये सफ़र इतना ही आसान था या क्या? नहीं, मेरा ख्याल है वसीम भाई आसान तो नहीं था ऑब्वियसली, लेकिन मुझे उस टाइम पे लगता था कि आसान होगा, मुझे ऐसा लगता था कि हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा। बट इट वाज नॉट द केस, इट वाज नॉट द केस। मैंने पहले भी कहीं कहा कि जब आपकी औकात हो जाती है किसी चीज़ की तो आपकी ख्वाहिश मर जाती है बहुत सारी चीज़ों की। मतलब मेरी ख्वाहिशात जो थी, हम मुझे वो अट्रैक्ट नहीं करती। बीट फेम आल्सो फॉर दैट। आप यू ऑलवेज वांटेड टू बी एन एक्टर? नो, इट वाज जस्ट एक्सीडेंटल यार। नहीं यानी आप तो इस फील्ड में अदाकार बनने के लिए आया, मशहूर होने के लिए आया या पैसे कमाने थे? मेरा एजेंडा ये था कि मुझे देखें, इस फील्ड में हर कोई मशहूर होने ही आता है, पैसा तो बाय प्रोडक्ट है, वो तो जाहिर है मिलना ही मिलना है, लेकिन मुझे भी मशहूर होना था ऑब्वियसली। लेकिन जब वो इतना कर लेते हैं फिर आप एक टाइम बाद बोलते हैं कि यार अब प्रॉब्ली दिस इज नॉट व्हाट आई वांटेड, यू नो कुछ और कर लेता लाइफ में टाइप। तो जब आप कूदे थे तब प्राइम पर्पस जो है वो क्या था? मशहूरियत था, पैसा तो था ही था ऑब्वियसली, बिकॉज मुझे पता था कि अगर मैं मशहूर हो जाऊंगा तो पैसा तो आ ही जाएगा कहीं ना कहीं से, कैसे ना कैसे फाइनेंशियली आपके लिए। क्योंकि मैंने एक चीज़ और सुनी, क्या ऐसा है? मैंने बहुत सारी स्टोरीज में लोगों के सुना है कि वो एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से स्टार्ट करते हैं और फिर नहीं, मेरा हम्बल नहीं था ना वसीम भाई, मेरा इतना हम्बल था नहीं, मेरा बड़ा अच्छा बैकग्राउंड था। माय डैड वाज एक बैंक में बड़ी अच्छी पोजीशन में थे वो, तो मेरा फाइनेंशियली बहुत अच्छे थे। मतलब मैंने किसी को जाके बोला कि यार हमारे पास 2 गाड़ियाँ थी, तो उसने कहा कि अरे अब तो बहुत ही अच्छे थे फाइनेंशियली, बिकॉज लोगों के पास नहीं होता, मोटरसाइकिल होती है एक। तो हमारा बहुत अच्छा वो बैकग्राउंड था, लेकिन उसके बाद जब आप अमीर होके जब आप गरीब होते हैं ना, तो वो ज्यादा तकलीफ दे बनस्बतन इसके कि आप गरीबी पैदा हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं। देखा, बिल्कुल देखा ना, अमीर होने के बाद गरीब होने वाला। बिल्कुल बिल्कुल देखा। तो ऐसा कोई इंसिडेंट हो गया लाइफ में, क्या हुआ? नहीं, वो मेरे माय फादर पास्ड अवे बैक इन 2009 और ऑब्वियसली ही वाज द ओनली ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली, मतलब सिर्फ वो कमाते थे और हम लोग बच्चे छोटे थे, तो उनकी डेथ हुई। और आप लोग कितने भाई बहन? हम मेरी 2 बड़ी बहनें और मैं अकलौता भाई। तो उनकी जब डेथ हुई तो जाहिर सी बात है वो अब पैसे कहाँ से हैं, क्या करें क्या नहीं। सेविंग वगैरह? सेविंग तो अब्बू ने पता नहीं कहाँ क्या ही किया वो सेविंग का। हालांकि वी हैड 3 houses इन डिफेंस, यू नो एवरीथिंग वाज वेरी, बिल्कुल सब कुछ ठीक था, लेकिन जब पैसे ही खत्म हो गए, इनफ्लो बंद हो गया। और सारा सच जो है ना दुनिया में वो पैसा है, एक बड़ी तल हकीकत है। लेकिन हाँ जी, हम यहाँ इस पैसों की जैसे बैठ के बात करें ना, एसी चल रहा है चाय भी पैसों की आई, तो सारे बाकी सारी लॉलीपॉप हैं कि जी ये होता है, ऐसा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। जब पैसे नहीं होते जेब में तो रोना, आंसू भी नहीं आते, यू नो भूख लगती है। तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट एंड बट देन वाले साहब के जाने के बाद अगर मैं कहूँ कि आप पैसा कमाने निकले घर से बाहर? हाँ, पैसा कमाने निकला, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मैं इस फील्ड में थोड़ा सा बेहतर कर लूँगा, एक्सेल कर लूँगा, मुझे ऐसा लगता था। क्योंकि मुझे लगता था कि मैं किसी जगह पे नौकरी करूँगा, जॉब करूँगा तो एक मीडियोकर टाइप माहौल रहेगा, मुझे ऐसा लगता था। क्या पता बेवकूफ़ी की बात थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता था, मुझे लगता था कि ये फील्ड में कुछ अपने लिए बेहतर कर। कहाँ गए आप पैसा कमाने के लिए? सबसे पहले एक बहुत बड़ा चैनल ऐड होने, फिर नेम इट, कैन आई यू कैन जियो, आई वेंट टू जियो। Okay. और वहाँ पर मैं एक अपनी 1 page CV लेकर गया और मैंने उनको कहा कि जी मुझे अदाकारी करनी। वो इंफरटेनमेंट डिपार्टमेंट के एक साहब थे, ऑब्वियसली उनका नाम लेने का कोई फायदा नहीं। उन्होंने देखी मेरी स्टोरी से रिलेट करता है, मैं भी एक चैनल पे गया था। हाँ, 1 page CV थी, क्योंकि एक्सपीरियंस तो कुछ था ही नहीं ना जिंदगी में, क्या लिखता मैं वहाँ। ओके, यू गेट इट। तो मैंने उसको CV लेके चला गया, उसने CV देखी, उसने मेरी तरफ देखा, उसने कहा ये क्या बकवास है, क्या करूँ मैं तुम्हारा, ये कहाँ खड़े हो, कौन से दायरे में खड़े हो, लिटरली यही। हाँ, उसने कहा ये क्या बेटा कहाँ आ गए तुम, ये क्या हुआ? मैंने कहा सर वो मैं एक्टिंग। उसने कहा एक्टिंग छोड़ो, एडिट रूम जाओ, वहाँ एडिटिंग करो, हमारा ऐसे ही लग रहा है मेरे को। क्योंकि अगेन देखें, हम ना बड़े विजुअली उस तरह के लोग हैं। मैं आपको विजुअली देखूंगा ना तो पर्सनैलिटी को कहते हैं कपड़े, यहाँ पर अफसोस की बात है, बड़ी पर्सनैलिटी है, कलफ वाला शलवार कमीज। इस तरह हम अंग्रेजी को इंटेलेक्ट से कंफ्यूज करते हैं, पर्सनैलिटी से कंफ्यूज। एब्सोल्युटली सर, अंदर उसके कोई भी हो। इस तरह तो अल्बर्ट आइंस्टाइन धोती पहन के आता तो क्या मतलब, बेवकूफ़ था वो, बेवकूफ़ी। खैर, तो वो कहते थे जी अब कपड़े सही नहीं पहने में लगता, ठीक नहीं है, बाल लंबे, अंडरग्रूम था ना बेसिकली। उन्होंने कहा एडिट रूम में जाओ, और वहाँ मैं ये नहीं कह रहा अल्लाह माफ करे कि एडिटर काम करते हैं, उनको गलत काम, बिल्कुल ऐसा नहीं है, सारे हमारे भाई हैं। लेकिन उनको लगा कि ये ऑन कैमरा वाला आदमी नहीं है, ऑफ कैमरा जाओ ना, वहाँ अच्छा है तुम्हारे लिए, वो करो। आप गए? हम गए एडिट रूम, मैं एडिट रूम गया, लेकिन पैसे तो कमा, क्या करूँ मैं उस टाइम पे। तो मुझे बोलता धोबी लग जाओ मेरा, तो वो भी लग जाता हूँ। यू मीन इट? आई मीन इट, एब्सोल्युटली। सर्वाइवल था ना, आई वांटेड टू सर्वाइव, अर्न मनी, ईट, स्लीप, बिजली, धनिया, पुदीना, एवरीथिंग। So I said, okay, I'll do it. So I went in the aid room and I met a gentleman. उनका नाम था नवेद जकी. वो top chief editor थे जियो के. उन्होंने देखा मुझे, उन्होंने कहा यार ये यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो कैमरे के आगे वाली शय हो. तो मैंने कहा थैंक यू सर, वो मैं यही करने आया था. तो उसने 14 नाम मुझे लिख कर दिए पेपर पे और उसने कहा जाओ पूरा आए चंद्रीगढ़ रोड घूमो, कराची में है, और वहाँ जाके अपनी किस्मत आजमाओ, देखो क्या होता है. लिटरली 14 आदमियों के नाम, 1 2 3 14 नेम्स. तो मीडिया पर्सनैलिटी, फलाना जी मेरा प्रोड्यूसर काशिफ अली है इस चैनल में, उस चैनल में फलाना सीनियर है. 14 में से कितनों को जानते हैं? किसी को भी नहीं. अच्छा, नाम भी आप पहली बार? नाम मैं पहली दफा देख रहा हूँ, नाम देख रहा हूँ, दफ्तर देख रहा हूँ, नंबर भी उनको नहीं दे रहे मुझे. वो कह रहे हैं जी फलाना इस चैनल में जाएं तो ये साहब हैं, उनसे मिल लें, उस चैनल में गया तो इन साहब से मिल लो, ये कर लो. तब आप वो पर्चा लेके निकल पड़े? पर्चा लेके निकल गए. हम देख रहे हैं हर जगह घुसे, लोगों से मिला, ये वो चीज़ें. कितने लोग मिले आपको 14 में? 2 मिले होंगे मुश्किल से. और वहाँ क्या बात हुई? कुछ नहीं जी, एक्टिंग करवा दें. हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तस्वीरें ई मेल करो तस्वीरें. इतना मतलब मुझे समझ नहीं आता सच क्यों नहीं बोल देते. एक बार मेरा रैपर का प्रॉब्लम था, मैं अभी आपको ऑफ कैमरा बता रहा था. मेरा रैपर का प्रॉब्लम था, आउटर लेयर अच्छा नहीं था. वो बोलते यार तुम जिम चले जाओ, वजन बनाओ, बॉडी अपना थोड़ा बेहतर करो, ग्रूम हो, बाल ठीक करो, कटवाओ और आ जाओ, तुम्हें काम मिल जाएगा. बहुत सौ को मिला है, हर किसी को इसी पे मिलता है ना. विजुअल इंडस्ट्री है, रेडियो पे थोड़ी काम कर रहा हूँ मैं. तो वो उन्होंने कहा, मुझे ये नहीं कहते थे बकवास लगाते हैं जी, वो एक्टिंग तुम्हारी यार वो बात नहीं है, इतना लंबा क्यों है तू, अबे ये क्या बकवास की तुमने, इतना लंबा क्यों है तू. मतलब ये मैंने कोई ना, मेरी इसमें कोई खासियत है ना खामी है. ये तो एक प्लस पॉइंट है ना, टॉल डार्क एंड हैंडसम बोलते हैं ना दुनिया. तो बोले भाई नहीं अच्छा ये वो चलो करते हैं यार, वो बात नहीं है, वो चाम नहीं है तुमने, मतलब यू नो चाम क्या होता है, बकवास. तो खैर फाइनली करते करते 6 years later I realized या ये एक्टिविटी more or less आप कह रहे हैं कि 6 साल चलती रही. 6 years I begged for. यानी 6 साल आप यहाँ से वहाँ जाते रहे. जाहिर है जानी क्या करूँ, ऑडिशन भाई मुझे पता चल मैं एक ना यहाँ पर एक स्ट्रगलर्स का भी एक वो है ना पूरा एक क्लब है, ग्रुप है, पूरा क्लब है, पूरा एक मुल्क है ना स्ट्रगलर्स. बिल्कुल है, वो हर किसी को एक दूसरे को जानते हैं, मैसेजेस जाते हैं कि फलाना ऑडिशन हो रहा है 4 बजे पहुंचो. हां बिल्कुल सही. तो मैं भी उस क्लब का हिस्सा बना. आप पहुंचते रहे और ये ऑडिशन देने के लिए आप मतलब आप हर जगह गए? अरे पान की दुकान, नाई की दुकान, क्योंकि अगर मुझे वसीम बदामी कह रहा है कि जी पान की दुकान पे आ जाओ मुझसे मिलने तो आप जाएंगे क्योंकि आपको लालच है कि शायद वो काम बन जाए. मुझे थोड़ी पता वसीम बदामी कितना चाय बना रहा है या सीईओ लगा हुआ है, मुझे नहीं पता. मुझे क्या पता पावर कितनी, किसको कितनी इज्जत देनी है वो भी तो नहीं पता ना इस काम में. आप समझ रहे हैं, इज्जत इन टर्म्स ऑफ फाइंडिंग वर्क, इसको कोई क्लू ही नहीं है, पता ही नहीं, कुछ नहीं पता ना. रैंक्स नहीं पता ना, सीनियर प्रोड्यूसर क्या होता है, एग्जीक्यूटिव कुछ नहीं पता. हमें पता है कि यही है भाई, ये बना देगा. जो भी मेरे साथ भी हुआ है कि मैं ऐसे लोगों से उम्मीदें बांधने बैठा था कि अपने पल्ले ही कुछ नहीं था. बट आई डिडंट नो दैट. देखें, फर्स्ट बिकम रिच देन बिकम अ फिलोसोफर. पहले अमीर हो जाओ फिर फिलोसफी छाड़ो. ये आप चाय के ढाबे पे बैठ के नहीं बोल सकते अली जफर को मैंने बनाया, ऐसा नहीं हुआ. अली जफर को तुमने बनाया, तुम भी बन जाते अली जफर के साथ. तुम भी नहीं बने. यस सही है. तो आप लिटरली किसी पान के खोके पर, लिटरली किसी नाई की दुकान पे गए ऑडिशन देने? बिल्कुल, नाई की दुकान पे गया मैं ऑडिशन देने. और एक तो बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया है. नाई की दुकान में मैं गया तो वो कोई बैठा हुआ था, बहुत सारे ऐसे बैठे हुए थे. आपसे किसी ने कहा कि फलाना नाई की दुकान पे आ जाओ, फलाना साहब बैठे हैं ऑडिशन. बिल्कुल बिल्कुल, डेला वाला करके एक जगह है यहाँ पर, जहाँ चाय वाला नहीं है, डेला वाला. खैर तो वहाँ पर एक नाई की दुकान है, मैं गया अंदर, मैं गया तो मैंने कहा जी अस्सलाम वालेकुम. उसने कहा जी हाँ, वो यूँ करके बैठा, पान खड़ा रहा. तो उसने ऐसे करके बाल कट रहे थे, शेव बनवा कह रहा है यार फट कर तू ऐसा कर कि तेरी माँ मर गई है और तू उस पर, तेरी माँ मर गई है और तू उस पर रिएक्ट कर. सीरियसली आपको सिचुएशन बताया? हाँ नाई की दुकान. और मैंने किया. आपने क्या करूं? आपको यानी ये नहीं लगा कि क्या नहीं, वो देखें अगेन इट्स अबाउट सर्वाइवल. ये फलसफा यहाँ बैठ के झाड़ना अच्छा है. पानी में आप होंगे, आप हाथ पैर मारेंगे ना, थोड़ी बोलेंगे मैं ये वाला स्ट्रोक कर लेता हूँ, मैं एक काम करता हूँ बोतल, ये क्या करेंगे, यू वांट टू सर्वाइव. सो यू वुड नॉट नो कि यार ये आदमी झूठ बोल रहा है, बकवास कर रहा है, ऐसा नहीं है. एंड आई एम श्योर आपकी भी स्टोरी काफी हद तक मिलती है. मैं आई कैन रिलेट टू इट. आई कैन रिलेट. यहाँ पर आप चूंकि आप लगते नहीं थे ना, आपके अगर पुराने क्लिप्स देखें तो आप जर्नलिस्ट नहीं लगते, ऐसे ही बिल्कुल लगता था कोई नया है, पता नहीं कौन है. लेकिन आप बोली आपकी ऐसी थी, आपका पर्सनैलिटी ऐसा था, वो तो बाद में आप पता चलता है ना वसीम बदामी कौन था. लेकिन आज अपनी पुरानी तस्वीरें डालता हूँ तो मैंने डाली तो मेरे को दोस्तों ने फोन करके देखा, यार पागल है क्या, ये तस्वीर तो कहीं लगी है तो डिलीट करवा, पोस्ट कर रहा है. मैं क्यों डिलीट कर रहा हूँ भाई, मैं तो पोस्ट करूंगा. आई एम प्राउड ऑफ दैट. एब्सोल्युटली व्हाई नॉट. हमारे जैसे और भी बहुत सारे वसीम बदामी और फुरकान कुरैशी घूम रहे होंगे जो अभी वेरी ट्रू बंदर लग रहे होंगे, लेकिन आपके हम दे रहे हैं आपको हिम्मत यार, आप बने. सो ओके, सो आपने यानी फुरकान कुरैशी जिसको मैंने देखा, अपनी मिसाल दे रहा हूँ, मेरे पास तुम हो में जबरदस्त एक्टिंग करते हुए, उसने लिटरली नाई की दुकान पे बैठ के ऑडिशन दिया. बिल्कुल इस सिचुएशन का नहीं इस सिचुएशन या जो भी उन्होंने सिचुएशन दिया आपको, ठीक है. नहीं मैं आई डोंट गेट द क्वेश्चन. क्या मतलब? नहीं यानी उन्होंने आपको सिचुएशन बताया कि मर गई है कोई और, हां कुछ आपने उस पे एक्ट किया नाई की दुकान पे. वो बोलेगा जी कॉन्फिडेंस नहीं है. आप एक तो आप बोलेंगे ना करेंगे ना तो बोलेगा कॉन्फिडेंस नहीं है. भाई ओपिनियन आपका एक है, मेरा है, किसी का ओपिनियन ना सच होता है ना गलत होता है. सारी चीजें दुनिया में ओपिनियंस होती है ना. Yes. और कुछ भी नहीं होता, यूं नहीं यूं कर लो. आदि मुझे कह रहा था अभी पीछे कि हमारे एक्टिंग, हमारे काम में ना बोलने वाले बहुत हैं. हाँ. बहुत सारे ना क्या कहते हैं उनको आपकी पॉलिटिकल जबान में? एक्टर्स जर्ब जबान कहते हैं? नहीं, वो बोलने वाले कौन होते हैं? तो खैर तो सोशल कमेंटेटर्स बहुत होते हैं। तज़िया का यार, तज़िया का ठीक है यार, यूं नहीं यूं कर लेते यार, तो वो तुम कर लेते आके, मतलब अगर इफ इट वाज दैट सिंपल। एग्जैक्टली। और चलना होता है ना दोस्त, तो आप यूं क्या पूं भी कर लो, बहुत बड़े बड़े एक्टर्स हैं यहाँ पर। फहद मुस्तफ़ा को फहद मुस्तफ़ा बनना था, वो गुजरावाला में रहता या वो वेस्ट इंडीज से आता, वो वहाँ बन डेस्टिनी थी। हाँ, इट इज ऑल अबाउट यू डूइंग मेहनत। ऑब्वियसली आपके हाथ में मेहनत है, इख्तियार है आपके हाथ में, विल है आपके हाथ में, बाकी किसी की मर्जी है। 6 सालों में कभी ऐसा हुआ कि फिर कभी फुरकान घर जाके मतलब टूट गया हो, रोया हो गया यार ये अपनी बहनों से भी चुप करके, यार ये क्या है? नहीं, वो तो दिस इज गोइंग नोवेयर, ये क्या हो रहा है? नहीं डूड, आई डोंट थिंक। देखें, रोना भी अफोर्डेड होता है, मुझे ऐसा लगता है। क्राइंग इज ऑल्सो अफोर्डेड। आप रो रहे हैं बैठ के, वो भी अफोर्डेड होता है। जब मसले बहुत ज़्यादा, इसका भी ऑप्शन हमेशा नहीं होता आपके पास, नहीं होता ऑप्शन। यू आर नॉट लकी टू हैव दैट ऑप्शन ऑलवेज। एब्सोल्युटली, ग्रीफ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, इज अ वेरी मुश्किल इमोशन टू गो थ्रू। नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड इट। बॉस का मूड खराब है, बॉस का क्या मूड खराब है? तुम्हारा, तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हें क्या? बॉस का मूड तो खराब हो सकता है, बॉस का हो सकता है ना, आपका कहाँ होगा? यहाँ कभी सुना है कि जी वो जो ईएनजी का लड़का है जी, वो चाय पिला रहा है, चाय पिला रहा है, नहीं होगा कभी खराब। से पूछेंगे आप यार आपका मूड खराब है, तो ये बेकार की। मेरे पास ये लिबर्टी में आप वसीम भाई जी, वो वसीम भाई अभी नहीं आ रहे, वो थके हुए हैं जी, वो चाय वाला थक गया है, ये नहीं, ये चाय वाला नौकरी से फारिग हो जाएगा। यस, ओह माय गॉड, ये बेकार की बात। फिर मैंने सुना था, मुझे आज का मतलब समझ आ रहा है, मुझे थकने नहीं देते ये जरूरत के पहाड़ जी, मेरा कुंबा मुझे बूढ़ा नहीं होने देता। बिल्कुल ऐसे है कि आपको पता होगा इतनी सारी, तो फिर आप बूढ़ा अफोर्ड नहीं कर सकते। ये सारे होना तो बड़ी लग्जरी है सर। इस सब में ब्रेक कब मिला? यानी आज तो आप ये हैं जो मैं, आप फुरकान सिद्दीकी हैं, मेरे पास तुम हो, तो ये यू टर्न कैसे आया लाइफ में? ये सब कैसे हुआ सर? वो एक्चुअली मैं ना आई यूज्ड टू डू बिग कैरेक्टर्स इन स्मॉल प्लेज। खर्चा तो मिलता था, पैसे वैसे तो आते रहते थे, लेकिन एक होता है मेन स्ट्रीम इंडस्ट्री। मेन स्ट्रीम इंडस्ट्री ऐसा होता है, बड़े चैनल्स होते हैं, बड़े शोज होते हैं, उसमें रिकग्निशन। ऑफकोर्स दिस वॉज आफ्टर मेरे पास तुम हो, एंड आई वुड लाइक टू गिव क्रेडिट टू मिस्टर नदीम बेग। वो मेरे साथ जिम में एक्सरसाइज करते थे, उन्होंने ऐसे ही मुझे कह दिया कि चलो ये कर लो। पहले मैं थोड़ा रिलक्टेंट था, मैंने कहा पता नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ये होगा, बिकॉज आई हैड 40 सीन्स रेंट। तो जब बारी आती है तो एक सीन में भी चल जाते हो आप, चला ना रिजवान। ये देखे ना, आप सब जानते, बड़े मैच में आपने 6 रन कर दिए, सब जानते हैं। अगर ये अंडर 19 में 200 रन कर देता ना, अगर T20 में, आपको पता भी नहीं होता। तो अच्छा, यानी जब आप मेरे पास तुम हो के सेट पे पहले दिन गए थे, तो आपको यकीनन ये अंदाजा नहीं था कि जब ये ड्रामा चलेगा तो उसके बाद क्या? हुमायूं सईद को किसी को भी, क्योंकि मैंने बात अदनान भाई से, रहमान साहब को, किसी को भी नहीं था। नोबडी न्यू कि इतना बड़ा हो जाएगा, यार भाई को नहीं पता, ऐसे वाकई ऐसे। और उसके बाद थिंग्स, हां जी हां जी, पाकिस्तान इंडिया की रेटिंग में आपको बता रहा था 35 34 आती है, मेरे वास्ते में 37 38 थी। वाह, तो भाई ये सब दास्तान सुनने का मकसद ये था कि ये सारी दास्तानें कहानियों में, फिल्मों में, ये एक जिंदा आदमी आपके सामने बैठा हुआ है जो कि आपको गली मोहल्ले इलाके के नाम भी बता रहा है कि अगर मैं नाई की दुकान पे गया था तो वो वाले, चैनल में गया था तो वो वाले, किसी बंदे ने धुतकारा था तो वो वाले। तो दिस इज एक्चुअली हैपेंड। एंड मैं ऐसा नहीं, मैं वसीम भाई मैं आपको ये कहूं, ऐसा नहीं है कि सारे ही घटिया हैं, सारे बदतमीज। ऑफ कोर्स, सक्सेस हैज मेनी फादर्स, फेलियर हैज नॉन। आप कामयाब होके आए, आपके साथ वही लोग आपको भूल के आपके साथ चाय पिएंगे और उनको याद भी नहीं होगा, क्योंकि इतने सारे लोगों को धुतकारा होगा तो उनको होगा कि एक बार पता नहीं एक कोई बन गया तो हाँ ये कौन था, हाँ आजा आजा पता नहीं कौन। सो वो फनी है थोड़ा। फुरकान भाई हमारे साथ है, बहुत सारी तालियां। हाँ जी, या आपने कुछ चूज द करेक्ट आंसर। इंडस्ट्री में ज्यादा मसाइल, आपने सारे मसाइल बताए। इंडस्ट्री में खवातीन से ज्यादा मसाइल मर्द हजरात को हैं, सही है गलत? खवातीन से ज़्यादा मसाइल मर्द हजरात के होते हैं। नहीं, फ़र्क है ना, खवातीन के इज्जत रिलेटेड मसाइल होते हैं, मर्द के बेइज्जती रिलेटेड मसाइल होते हैं। तो हमें बेइज्जत किया जाता है और उनको बुरा लगता है, तो दोनों के बराबर ही है। सही, ओके। औरत इस बात पे नहीं मानेगी, लेकिन ऐसा है। अच्छा, ओके। आपने क्योंकि मेरे पास में काम किया, खलीलुर रहमान अमर साहब का अंदाज कड़वा है। यार मैं अगले सवाल के लिए मैंने अगले सवाल के लिए तमीज मान ली। मैंने कुछ कहा, मेरी औकात नहीं सर। आप खलीलुर रहमान कमर साहब का अंदाज कड़वा है, मगर वो बातें सच्ची करते हैं, हाँ या ना? मेरा ख्याल है। आपका ये ख्याल? मेरा ख्याल है, लेकिन कम्प्लीटली नहीं, कुछ बातें जज्बात में भी कह जाते हैं, लेकिन यार ओके। डैश इस इंडस्ट्री का बेहतरीन अदाकार है, इमरान अशरफ इस इंडस्ट्री का बेहतरीन। ओके। डैश मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। मुश्किल है यार ये सवाल। कोई भी गलती नहीं है, आई डोंट रिग्रेट एनीथिंग। मुझे खुशी है जो भी हुआ। आई एम हैप्पी फॉर द पनिशमेंट्स दैट आई हैव गॉटन। अच्छा, माय गॉड, या ऑलराइट। तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है, ये बात सही? बिल्कुल आई है। अब अच्छी आई है, बुरी आई है, या आप खुद बताएं। तब्दीली जो आई है वो बहुत अच्छी आई है, मेरा अगला सवाल लिखा हुआ। सही है, यार तब्दीली यार नो, अगर महंगाई पे बात करें तो फिर तो गलत हुआ, बाकी का मुझे नहीं पता इतना ज़्यादा। तो बतौर मजमू आप तब्दीली से ज़रा इम्प्रेस? नहीं, आई लाइक खान साहब, मुझे वो इतने पसंद है कि काफ़ी दफ़ा मैं काफ़ी सारी चीज़ें इग्नोर भी कर देता हूँ। इसी तरीके से महंगाई इग्नोर कर रहे हैं फिलहाल? मैं महंगाई इग्नोर नहीं कर रहा, मैं ऑब्वियसली वो कमर तोड़ती है, उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि हाँ सही है। सर थैंक यू वेरी मच, बहुत सारी तालियां जनाब, क्या बात है, मज़ा आ गया। जिंदगी रही सेहत रही, तो कल मिलते हैं इंशाल्लाह।